उत्तराखंड में अभी एक हफ्ता ही हुआ चारधाम यात्रा को शुरू हुए और 15 से ज्यादा लोगों की मौत हो गई। इस पूरे घटनाक्रम ने स्वास्थ्य विभाग की तैयारियों की कहीं ना कहीं पोल खोली है। हालांकि अपना पूरा लाभ लश्कर स्वास्थ्य विभाग ने चारधाम यात्रा में लगा रखा है, लेकिन फिर भी लोगों की मौत होना एक बड़ा सवाल खड़ा करता है। अब इसके पीछे एक बड़ा कारण हेल्थ स्क्रीनिंग की अनिवार्यता न होना भी माना जा रहा है। चारधाम यात्रा के लिए स्वास्थ्य विभाग अपनी तैयारी होने का भले ही लाख दावा करे, लेकिन 3 मई से शुरू हुई यात्रा में अब तक 15 लोगों की मौत हार्ट अटैक और अन्य स्वास्थ्य कारणों के चलते हो चुकी है। वहीं एक व्यक्ति की जान पैर फिसलने से गई है। हेल्थ स्क्रीनिंग की अनिवार्यता न होना भी इसकी बड़ी वजह माना जा रहा है, जो कि हेल्थ डिपार्टमेंट मानता है कि रिकॉर्ड श्रद्धालुओं को देखते हुए संभव नहीं है। आपको बता दें कि कार्डियोलॉजिस्ट की कमी के मद्देनजर डिपार्टमेंट ने एम्स से 15 दिन की ट्रेनिंग डॉक्टर्स को करवाई थी। फर्स्ट मेडिकल रिस्पांस टीम के तहत गंगोत्री में 13 जगह, बद्रीनाथ में 20 जगह, उत्तरकाशी में 25 जगह, 8 मिनी ब्लड बैंक, 4 ब्लड स्टोरेज, 108 एम्बुलेंस 102 की जगह, जबकि डिपार्टमेंटल 113 एम्बुलेंस चार धाम में आए श्रद्धालुओं की देखरेख के लिए काम कर रही है। वहीं धाम में श्रद्धालुओं की संख्या सीमित रखने के लिए भी सरकार के ऑर्डर हैं, लेकिन इसको मैनेज करने में परिवहन विभाग मान रहा है कि दिक्कत आ रही है। ग्रीन कार्ड ट्रिप कार्ड जारी हुए, लेकिन निजी वाहन से लेकर हेली सेवा के जरिए लोग पहुंच रहे हैं, जो मैनेज करने में दिक्कत आ रही है। अब यात्रा पर आए लोगों को दर्शन करने से रोका नहीं जा सकता, लेकिन रजिस्ट्रेशन के साथ साथ हेल्थ चेकअप को लेकर भी अगर गाइडलाइन जारी हो जाए तो स्वास्थ्य कारणों से मौत का आंकड़ा कम जरूर हो सकता है। साल जो यात्रा रुकी रही उसका असर है, बहुत ज़्यादा भीड़ आ रही है। हमारी ओर से पूरे प्रबंध किए गए हैं, जितना ज़्यादा हो सकता है, क्राउड मैनेजमेंट के भी, ट्रैफिक मैनेजमेंट के भी, और हमने फोर्स को सेक्टर्स में बांटा। पहली बार केदारनाथ जी में इतनी व्यवस्था में दिक्कतें आई कि हमें उसके सेक्टर्स और जोन में बांट करके कोशिश कर रहे हैं कि व्यवस्था बनी रहे और हमारी यात्रा सुगम और सुरक्षित हो। देखिए, प्रतिदिन जो है बद्रीनाथ जी की तो कल ही खुले कपाट, तो वहाँ पे करीब 30,000 भीड़ रही होगी, और केदारनाथ जी की भी डेली की फिगर 6-7-8 तीनों दिन 30,000 रही है। बाकी जमुनोत्री और गंगोत्री में 7-7-8-8 हज़ार लोग रोज आ रहे हैं, तो मेरे विचार से अभी तक 1.5 लाख प्लस हो गया है। यात्रा अपने पूरे उठान पर है। अभी प्रेजेंट लोड को बांटने के लिए हमने एक तो सोनप्रयाग से गौरीकुंड के बीच की व्यवस्था को और अपग्रेड किया है, और केदारनाथ जी में जो पुलिस जो लाइन लगती है उसको, दर्शन की लाइन है, उसको भी हमने थोड़ा सिस्टमेटाइज किया है। और हम लोगों से अपील भी कर रहे हैं वहाँ पर कि वो इम्पेशेंट ना हो, संयम ना खोएं और पुलिस का सहयोग करें व्यवस्था को बनाए रखने में।